पेशेंट का हमने कल पिनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग किया है, बड़ी दूर से आए हैं। इन्होंने आके हमें एक बात की कि आपने इन्होंने बताया कि बचपन में इनको चोट लगी थी, चोट के मेरे ख्याल से मैस्टुरेशन करते हुए कह रहे थे कि वहाँ पे मुड़ गया था और उनसे उसके कारण से इसकी ग्रोथ कम होगी। बहुत से पेशेंट्स किसी ना किसी रीज़न से ये समझते हैं कि उनका पेनिस छोटा हो गया, तो ये एक वीडियो उसी के लिए है कि एक पेनिस की नॉर्मल लेंथ क्या होती है, गर्थ क्या होती है, उसको कैसे समझा जाए। तो देखिए, इसके बड़े क्राइटेरिया है। कुछ डॉक्टर्स ने अपने बना दिए कि 3.5 इंच से लेके होगा इरेक्ट लेंथ 6 इंच तक, या डोसाई फ्लैसिड लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो वो नॉर्मल पेनिस का साइज है। और उस इसी तरह से कुछ गर्थ का भी बना दिया, लेकिन इसका कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी आप ये समझिए कि ह्यूमन बींग्स में क्या हाइट नॉर्मल है। इसका कुछ है तो है नहीं कि किस हाइट से नॉर्मल होगा आदमी और उसके नीचे एबनॉर्मल होगा। तो बेसिकली ये मानते हैं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन 5 फीट से लेकर 6.5 फीट के अंदर 99% पॉपुलेशन आ जाती है। तो क्या हम जो 4 फुट 11 इंच का होगा वो एबनॉर्मल होगा, या जो 6.5 फुट 6 इंच का होगा वो एबनॉर्मल होगा? तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर पॉपुलेशन का पेनिस का साइज एक जिसके कहते हैं ना कि 3.5 इंच से लेकर 6 इंच के बीच में आ जाता है। अगर उसके आसपास भी है तो भी वो एबनॉर्मल नहीं होता। तो फिर ऐसे जैसे किसी की हाइट कम है तो हम उसको ये नहीं कहते कि एबनॉर्मल है, हमें कहते हैं उसकी हाइट छोटा है या देखने में छोटा है या ये लंबा है। तो ऐसे ही इन पेनिस में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, वो सिर्फ एक वेरिएशन होती है। जैसे कोई किसी का रंग बहुत ज़्यादा गोरा है, किसी का काला है, किसी का बीच का है, इसी तरह पेनिस की डिफरेंट लेंथ होती है। तो ये सर्जरी उन लोगों के लिए है जिनकी पेनिस की लेंथ नीचे की साइज पे है और लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन उनमें किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ना खड़ा होने में कोई दिक्कत है, ना ही कोई उनके कॉर्पोरा में या किसी तरह की ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो ये सर्जरी उन लोगों के लिए की जाती है, बेसिकली कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी है उसकी लुक थोड़ी बेटर करने के लिए। अब बहुत से लोग इसमें सोचते हैं कि क्या हमारा माइक्रो पेनिस है। देखिए, माइक्रो पेनिस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी एक बीमारी है जिसमें पेनिस बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसमें कॉर्पोरा इतने छोटे होते हैं कि उसमें इम्प्लांट भी नहीं डल सकता। तो वो उसमें तो कॉर्पोरा भी छोटे हैं, यूरेथ्रा भी छोटा है, सब कुछ ही छोटा है, स्पॉन्जियोसम से लेके ब्लड वेसल से लेके। वो पेशेंट इसके लिए नहीं है, माइक्रो पेनिस ऐसा नहीं होता। ये ज़्यादातर पेशेंट जिनका मतलब जिन पेशेंट में भी ये किया जाता है उनके पेनिस नॉर्मल होते हैं, बस वो छोटे छोटे होते हैं कंपेयर टू अदर पर्संस। तो बेसिकली लोग इसको कराते क्यों हैं कि थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है कि हाँ अब हम नॉर्मल रेंज में आ गए या पहले से कुछ बड़े हो गए। तो इस तरीके इस सर्जरी को किया जाता है। तो बहुत से पेशेंट्स फोन करके भी पूछते हैं कि जी मेरी लेंथ इतनी है, क्या वो नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल और एबनॉर्मल लेंथ कुछ नहीं होती, कुछ पेनिस छोटे होते हैं और कुछ पेनिस साइज में बड़े होते हैं, जैसे लोगों की हाइट होती है, जैसे लोगों का कलर होता है, जैसे कुछ लोग गंजे होते हैं, कुछ लोग कम गंजे होते हैं, कुछ के ज़्यादा बाल होते हैं। तो ये वेरिएशन है ह्यूमन बींग्स में कि यहाँ से ले एक स्पेक्ट्रम है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इसी तरह से पेनिस में भी है, और हम उन्हीं छोटे पेनिस को जो कि स्पेक्ट्रम के नीचे एंड पे है थोड़ा ऊपर लाने की इस सर्जरी से कोशिश करते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से ये समझ में आया होगा कि ये सर्जरी का मेन पर्पज़ क्या है। थैंक यू।